तो हेलो भाई, कैसे आप सब लोग। तो भाई आज हम बात करेंगे टाटा एल्ट्रोस की। और ये डार्क एडिशन है, मतलब टाटा वालों ने पहले हैरियर में निकाला था डार्क एडिशन, हम सब ने देखा था। तो अभी उन्होंने एल्ट्रोस और नेक्सॉन में भी निकाल दिया है। तो आप देख सकते हो पूरा ऑल ब्लैक थीम रखा है, बाहर से भी गाड़ी पूरी ऑल ब्लैक और अंदर से भी। यहाँ पे देखो डार्क की बैजिंग मिल जाती है। तो भाई गाड़ी तो है अपने सेगमेंट में सबसे सेफेस्ट कार है। ऊपर देख सकते हो आप ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग मिली है इस गाड़ी को। तो गाड़ी तो सेफ है, पूरी बिल्ड क्वालिटी में भी बढ़िया है। हाँ, अभी डार्क एडिशन में उन्होंने कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं, उसके हम बात करेंगे क्या क्या चेंज हुआ है। और अब लुक्स में देखो पूरी बढ़िया कूल लुक आ रहे हैं। और उसमें फीचर्स के और बात करेंगे अभी। और इंजन ऑप्शन की बताऊँ तो इसमें 1.2 पेट्रोल, 1.2 पेट्रोल टर्बो इंजन और 1.5 डीजल इंजन का ऑप्शन मिल जाता है। अब की से स्टार्ट करते हैं। तो भाई ऐसी इसमें कुछ की मिल जाती है, लॉक अनलॉक और ये बूट ओपनिंग के लिए। और यहाँ से हम इसको होल्ड करके रखेंगे तो लाइट्स ऑन हो जाएगी। करके दिखाता हूँ, देखो लाइट्स ऑन हो गई ना। और इसको एक बार दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगी। काफ़ी बढ़िया फीचर लगा। और फ्रंट से देखें ना तो फ्रंट में यहाँ से स्टार्ट होता है और पूरा यहाँ तक पियानो ब्लैक फिनिश है। पर ये तो नॉर्मल वेरिएंट में भी आती है फिनिश, तो क्रोम भी यहाँ से आता है। इसमें तो कोई चेंज है नहीं, मतलब ऑल अराउंड लाइट से स्टार्ट होता है क्रोम और वहाँ तक जाता है पूरा। फ्रंट में एक ऐसी ग्रिल मिल जाती है, बीच में टाटा का लोगो है। यहाँ पे फॉग लैंप मिल जाते हैं यहाँ पे ये, और ये टर्न इंडिकेटर है यहाँ पे है टर्निंग इंडिकेटर ये। तो भाई पूरा बम्पर ऑल ब्लैक है, नीचे ऐसी कुछ इसकी ग्रिल मिल जाती है, रेडिएटर ग्रिल। तो भाई साइड व्यूज देखो आप, अलॉय व्हील्स भी पूरे ब्लैक है, डायमंड कट नहीं है, पूरे ब्लैक अलॉय व्हील्स। टायर साइज है 185/60R16। यहाँ पे भी डार्क एडिशन की बैजिंग मिल जाती है। ये इंडिकेटर थोड़ा सा ओल्ड लग रहा है, मतलब यहाँ पे दे देते ना ORVM पे तो ज़्यादा बढ़िया लगता है और अच्छे लुक्स आते हैं। यहाँ पे भी एक क्रोम यूज़ किया गया है, ये तो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे छोटा सा मिरर दे रखा है। पूरी गाड़ी ऑल ब्लैक है पूरी गाड़ी, और काफ़ी बढ़िया लग रही है इसमें। हेलो व्हील्स देखो पीछे से और लुक दिखाता हूँ आपको। ये लाइट्स एलईडी लाइट्स, LED नहीं है। यहाँ पे एल्ट्रोस की जो बैजिंग है वो भी ब्लैक कलर में है, और यहाँ पे कैमरा सीटेड है, मतलब तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और ये पूरा ना पियानो ब्लैक फिनिश में इतना पार्ट, ये यहाँ पे फिर वो डिग्गी आ जाती है। पर गाड़ी पूरी ब्लैक है, ये ऐसी लाइट्स है इसकी। इस साइड इसका फ्यूल लिड मिलता है, पीछे डिफोगर मिल जाता है और वाइपर मिलता है। टॉप मॉडल है, नीचे ये फॉग लैंप मिल जाता है, इसके रियर फॉग लैंप सेंसर्स मिल जाते हैं। तो अब अंदर चलते भाई, अंदर और दिखाता हूँ मैं आपको। अंदर की बात करना तो पहले ड्राइवर साइड डोर पे यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है पैसिव एंट्री के लिए। और हम इसे लॉक करेंगे ना तो देखो ORVM ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाते हैं, और अनलॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो जाते हैं। काफ़ी बढ़िया फीचर है ये भी। और ऐसा ड्राइवर साइड डोर, और मतलब फील करने में ना काफ़ी हैवी सा लगता है, ऐसा नहीं कि हल्का है। वो ये भाई 5 स्टार रेटिंग कार है, पूरी सेफ है, तो हैवी बिल्ड क्वालिटी तो होगी इसकी। और ये इसका कुछ पकड़ने के लिए बंद करने के लिए, पर ये थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, ज़्यादा बड़ा है, मतलब साइज देख रहे हो थोड़ा, मतलब छोटा कर देते ना तो बढ़िया कंफर्टेबल होता। और यहाँ पे फैब्रिक फिनिश है, यहाँ पे कुछ नहीं प्लास्टिक है, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट टच है फैब्रिक फिनिश में। ये इसके पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ये ORVM की कंट्रोल है। और ये डोर हैंडल क्रोम फिनिश में है। यहाँ पे इसके स्पीकर मिल जाता है, वहाँ पे भी स्पीकर, यहाँ पे मतलब ट्विटर मिल जाता है, ये स्पीकर है। यहाँ पे ये बोम्बू होल्डर मिल जाते हैं, बोतल होल्डर। और यहाँ पे हमें कुछ हम रख सकते हैं, शायद अम्ब्रेला होल्डर है, हाँ अम्ब्रेला होल्डर है। देखो लगा रखे ना बैग इसमें। तो ये देखो ऑल ब्लैक इंटीरियर है इसके, मतलब डार्क एडिशन में पूरी गाड़ी ब्लैक होती है अंदर से और बाहर से। तो अंदर बैठते हैं और आपको बताता हूँ। पहले आप ड्राइवर साइड सीट देखो, मैनुअली एडजस्टेबल है, लेदर राइट सीट्स है। टेक्सचर आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ बढ़िया सा टेक्सचर दे रखा है। काफ़ी बढ़िया सीट्स लग रही है और कंफर्टेबल भी लग रही है। सपोर्ट भी, साइड सपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया दे रखी है उन्होंने। तो अंदर चलते भाई। थर्ड देखो, काफ़ी मजबूत सी फील होती है गाड़ी, प्लास्टिक क्वालिटी भी, मतलब क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। और हरमन का सिस्टम मिल जाता है इसमें, ये देखो यहाँ पे एम्बिएंट लाइट मिल जाती है। ये कुछ ब्लैक सी फिनिश है, इसमें कुछ क्रिस्टल से दे रखी है, बढ़िया लग रही है, काफ़ी प्रीमियम फील आ रही है। यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइटिंग है, पैरों में भी एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है। सो मतलब काफ़ी प्रीमियम लग रही है अंदर से। तो अब इसको स्टार्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको, मतलब इग्निशन ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, इस साइड इतना डिजिटल है, और यहाँ पे एनालॉग स्पीडोमीटर जो है एनालॉग मिलता है। ऐसा कुछ स्टीयरिंग व्हील मिलता है, पूरा फुल लेदर रैप है।
ये इसका ओन है। इस साइड मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, और इस साइड है क्रूज कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल भी मिलता है इस गाड़ी में। यहाँ पे ब्लैक फिनिश है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है। और यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, और ये फॉग लैंप्स के कंट्रोल है, और ये है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने के लिए। इसको ऑन कर देंगे तो ट्रैफिक में खड़ी रहेगी, न्यूट्रल में तो गाड़ी खुद ऑफ हो जाएगी, क्लच दबाते स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बार टैप करेंगे ना तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करता हूँ मैं, आप देखना अभी। ये देखो वेलकमिंग फंक्शन मिलता है, टाटा का लोगो आता है, और इस साइड भी आता है टाटा का लोगो। तो देखो ऐसा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये शो कर रहा है कि क्लच दबा के स्टार्ट करो तो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे इस साइड है ये आरपीएम शो कर रहा है, और ये माइलेज वगैरह शो करता है। यहाँ पे मोड शो करता है, इसमें मोड्स भी है, ये इको मोड रहा, देखो ये इको, इसको हम प्रेस कर देंगे। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ये थोड़ा और सा लगता है, ज्यादा तेज बोलता है। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो यहाँ पे इसमें क्लॉक भी मिल जाती है, और टच रिस्पॉन्स भी बढ़िया है काफी। यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर लिया। और इसमें एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है, वॉइस कमांड का फीचर है, यूएसबी है, और काफ़ी फीचरफुल है। और हाँ, इसका म्यूजिक सिस्टम भी सबसे बढ़िया है, मतलब हारमन का सिस्टम मिलता है तो सेगमेंट में बेस्ट तो होगा ही। एमेंट लाइट देखो कितनी बढ़िया लग रही है। यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है, ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी है। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, और इस साइड 12V का पोर्ट दे रखा है। ये 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें मिलता है, ये मोड चेंज करने के लिए इको मोड, मैनुअल हैंड ब्रेक है। यहाँ पे कुछ कप होल्डर मिल जाता है, और मतलब काफ़ी सही लग रहा है ये ना, कंटिन्यूटी है इसमें पूरी, तो उस वजह से काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आर्म रेस्ट स्लाइडेबल आर्म रेस्ट है, ये भी फुल लेदर रैप्ड है सॉफ्ट टच के साथ, है थोड़ा छोटा आर्म रेस्ट पर ड्राइवर के लिए तो बढ़िया, पर जो इको ड्राइवर हाथ रखेगा उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से ऐसे काट सा रखा है। जब मैं खोल के और दिखाता हूँ, यहाँ पे ना मैग्नेटिक है, कोई बटन बुटन नहीं दे रखा, मैग्नेट से खुलता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई खुलता ही नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, कुछ नहीं है ज़्यादा, कुछ ज़्यादा आप रख नहीं सकते। यहाँ पे सीट्स देख सकते हो, पूरी लेदर है, और ग्लो बॉक्स और दिखाता हूँ। ऐसे दबाएंगे तो सॉफ्टली ओपन होता है, और अंदर लाइट मिल जाती है, और काफ़ी डीप है, तो सामान तो हम बढ़िया रख सकते हैं इसमें। यहाँ पे कुछ इतना होल्डर सा मिल जाता है, कुछ रख सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया लगा ये। तो अब पीछे चलते हैं, ये है, ये मैनुअल ही है, डिमिंग IRBM। यहाँ पे ऐसी लाइट मिल जाती है, ये माइक दे रखा है, यहाँ पे भी आप कुछ रख सकते हो। इनकी बात करें तो वैनिटी मिरर मिलता है, इस साइड नहीं मिलता, पूरी ब्लैक रूफ है। चलो पीछे चलते हैं, पीछे को और दिखाता हूँ आपको। तो पीछे का ओपन करने के लिए यहाँ पे थोड़ी ओल्ड प्लेसिंग है, यहीं पे दे देते तो बढ़िया रहता, हमें पता नहीं क्यों दे रहे हैं। तो ये डोर भी वैसा ही है काफ़ी, यहाँ पे ये ब्लैक फिनिश में, वो क्रोम फिनिश में था, क्या है पता नहीं है। तो यहाँ पे भी वही दे रखा है ग्रैब करने के लिए, काफ़ी बड़ा है, वाइड है काफ़ी, तो होल्ड करने में कम्फर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। ये सॉफ्ट टच यहाँ पे फैब्रिक फिनिश में, यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है, और ऐसी इसकी रियर सीट्स बैठ के और दिखाता हूँ मैं आपको। तो सीट्स तो काफ़ी कम्फर्टेबल है, पर हाँ थाई सपोर्ट थोड़ी सी कम है, और नी रूम तो काफ़ी है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है नी रूम की। तो पीछे एसी वेंट मिल जाता है, 12V का पोर्ट मिल जाता है, और दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और ये ऐसा है इसका यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाते हैं इसका। ये देखो बोतल होल्डर नहीं मिलता पीछे, ऐड कर सकते थे आर्मरेस्ट में। यहाँ पे यहाँ से इसको दबाएंगे तो शायद फोल्ड कर सकते हैं इसको ना, अभी नहीं हो रही वहाँ से भी। बूट स्पेस और दिखाता हूँ इसमें, यहाँ पे है इसमें मैग्नेटिक बटन दे रखा है, इसको हम ऑन खोलेंगे तो इतना कुछ इसमें बूट स्पेस है, मतलब काफ़ी डिसेंट बूट स्पेस है, इतना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे नीचे इसके वो मिलता है स्पेयर टायर इसका, ये देखो स्पेयर टायर है, स्टील रिम में मिलता है इसमें, अलॉय व्हील नहीं आता। वो कुछ ओपन सा ही दे रखा है इन्होंने, सो करके जो सेटअप होता है वो, पीछे पार्सल ट्रे मिल जाती है। यहाँ पे कुछ नहीं, प्रेस पकड़ने के लिए, बंद करने के लिए ना। एक गाड़ी है तो काफ़ी मजबूत, और दिखने में भी मतलब लुक्स के मामले में काफ़ी बढ़िया, डार्क एडिशन में काफ़ी बढ़िया लग रही है, ऑल ब्लैक थीम रखा है इन्होंने, तो भाई ओवरऑल लुक देखो आप। तो वैसी थी कुछ टाटा अल्ट्रोज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में।